नमस्ते व्यूअर्स, जय हिंद। वेलकम टू डॉक्टर बेदावीज किचन। आज हम आपको एक बहुत ही हेल्दी स्नैक बनाने की विधि बता रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और इसे हम भुना हुआ चना कहते हैं। एंड आप इसे बनाइए, इसका चाट भी बना के बताएंगे हम आपको। आप इसे जरूर बनाइए, बहुत ईजी है बनाना, झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत पौष्टिक होता है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और इनबॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। तो आइए हम बनाते हैं भुना हुआ चना। एक हमने कढ़ाई रखी है गैस पर और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। याद रखिए, सरसों का तेल लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है इसमें। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हमने लिए हैं 4 छोटे लहसुन, इसको हमने कूट लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग। देखिए, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे काले चने। ये हमने 200 ग्राम चने लिए हैं, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए, इसे हमने थोड़ा सा और भून लिया है और अब हम इसको बंद कर देंगे। हमने चने भून लिए हैं और अब उसका चाट बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, एक प्याज मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, आधी बारीक कटी हुई ककड़ी, थोड़े से मूंग के स्प्राउट्स हो गए हैं वो, एंड थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। क्योंकि हम पूरे भुने हुए चने नहीं लेंगे, हम बस उतने चने लेंगे जितना हमें चाट बनाना है। आई थिंक ये काफी है हमारे कई बार के लिए चाट के लिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे अपनी ककड़ी, थोड़े से प्याज, टमाटर। देखिए, स्प्राउट्स हमने गर्म पानी में डाल के निकाल लिए हैं। अगर आपको कच्चे चाहिए तो आप ये कच्चे भी ले सकते हैं, इससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ी सी मिर्च ऐसा लग रहा है बड़ी कट गई है तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। आपको इसमें कोई भी चीज ज्यादा डालनी है, आपको ककड़ी ज्यादा मिलानी है, आपको प्याज ज्यादा मिलाने हैं, आप आराम से मिला सकते हैं। नए चने का चाट बन के तैयार है, आप इसे जरूर, बहुत ही न्यूट्रिशनल है, आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन जाता है। और लेट मी ट्राई कि कैसा बना है, इसे के देखते हैं। इट्स अमेजिंग, ट्रस्ट मी।